सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग डिटेक्टिव कॉनन के ऊपर और एक ठो वीडियो बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिटेक्टिव कॉनन के जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो विलन्स है वो कितने अभी तक हमें दिखाए गए हैं एनीमे में। ठीक है, मतलब हायरार्की वाइज तो ट्राई करेंगे करने का, या फिर मांगा को शायद हम लोग कवर नहीं करने वाले इसमें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुरोनोशिकी हमें पहले ही एपिसोड से देखने को मिलता है जीन ऑफ वॉट का केस में। पहला है बॉस। बॉस तो चाहिए अपने को। ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जो है वो है रेनिया कारासुमा। इसका आइडेंटिटी अभी तक हमें पता नहीं चला है। सब उसे दैट पर्सन या फिर आनोकाता कह के इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन ना ही उसका नाम, ना ही उम्र, ना ही वो लड़का है लड़की है, कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वो 50 साल या उसके नीचे ऊपर है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है रम, जो सेकंड इन कमांड है बॉस के बाद। मतलब जहां वो बॉस के बाद कमांड दे सकता है अगर वो चाहे तो। किसी को मारना हो तो वो बोलेगा जिन तू जाके मार, वो मार देगा। ठीक है, अभी रम का भी प्रॉब्लम क्या है कि रम का भी हमें पता नहीं कि वो लड़का है या लड़की। सिर्फ अकाई से इतना पता चला है कि उसका जो राइट आई है वो इंजर्ड है। अभी इसके बाद जैसे ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ कि उसका राइट आई इंजर्ड है, तभी तीन न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे। पहला पार्ट टाइम सुशी शेफ वाकाता कानेनोरी, जिसका डिटेक्टिव स्किल बहुत ही ज्यादा डिटेक्टिव लेवल का है, और वो फैन है मोरी का, और वो चाहता है कि मोरी उसे अपना डिसाइपल बनाए, और साथ ही उसका राइट आई भी खराब है तो वो राइट आई से तो अंधा है ही। दूसरा कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो है वाकासे रूमी, जो नई रूम टीचर है एलिमेंट्री स्कूल की, जहाँ कोनन और हाइबरा पढ़ते है, जो बहुत ही ज्यादा साइको लेवल की फाइटर है। ठीक है, और साथ ही उसका राइट आई भी खराब है। और तीसरा जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो है कुराडो यू, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है, हाई रैंकिंग ऑफिसर, जो रे को भी जानता है और बर्बन को भी, और साथ ही उसका राइट आई भी खराब है। तो इन तीनों में से कौन रम होगा इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। और तीसरा कैरेक्टर जो है वो है जिन, जो जनरल है बॉस का, मतलब अगर बॉस बोले कि ये करने का तो वो करेगा। और इसी नहीं, फर्स्ट एपिसोड में ही APTX4869 पॉइजन ड्रग जो था वो शिनिची को दिया था। और जहां तक पता चला है कि इसका फेवरेट कार जो है वो है पॉश 356A, और सबको लगता है कि ये साइको है और जाके किसी को भी मारता है, लेकिन वो सोच समझ के हमला करता है। इसका इंटेलिजेंट लेवल बहुत ही ज्यादा तेज है। चौथा कैरेक्टर है वोट का, जो जिन का पार्टनर है, या फिर कह सकते हैं कि एक पर्सनल असिस्टेंट है जिन का। इतना इसका पर्सनैलिटी से समझ में आया कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है और जल्दी जाल में फंस जाता है। तो अगर कुडो या फिर शिनिची को ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को हराना है तो ये अच्छा पैदा बन सकता है। पांचवा जो कैरेक्टर है वो है वर्मत दादी जी, दादी अम्मा, क्योंकि इस ब्यूटी का एजिंग कभी हो ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब उसको एक सीक्रेट पता चल गया एजिंग का, जो जिससे वो रोक सकती है, तो वो कभी बूढ़ी नहीं होती सुनादे की तरह। ठीक है, ना ही हम लोग को इसका एक्चुअल एज पता है, ना ही पता है इसका आइडेंटिटी है, क्योंकि ये कभी कभी चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करे। और इसका एक फेवरेट डायलॉग है, अ सीक्रेट मेक्स अ वुमन सीक्रेट, और वो चाहती है कि कुडो इस ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करे, और इसलिए वर्मर्ट कुडो को सिल्वर बुलेट भी कहती रहती है। छठा जो कैरेक्टर है वो है चियांती, जो एक साइको खून की प्यासी मर्सीलेस स्नाइपर है, जो हमें ज्यादा तो देखने को नहीं मिली, लेकिन जितना दिखी उससे पता चला कि वो जिन के ऑर्डर पे ही काम करती है और वर्मेट से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। सातवां कैरेक्टर है कॉन, जो थोड़ा एज में ज्यादा है, लेकिन उसका स्नाइपिंग भी ठीक ठाक ही है, और वो कभी चेहरे का एक्सप्रेशन तो दिखाता ही नहीं है लोगों को मारने के बाद। मतलब उसको दुखी होता, हंसी आती है, कुछ भी नहीं, एकदम पोकर फेस की तरह। मतलब ये रोबोट की तरह ही काम करता है, लेकिन किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो ये सात जो कैरेक्टर है ये अभी जिंदा और एक्टिव है ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हम लोग बात करने वाले उन मेंबर्स के बारे में जो मर चुके हैं। आत्सुशी और एलेना मियानो, जो बायोकेमिस्ट थे द ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के, जो अपेरेंटली फादर और मदर है हाइबरा और आकेमी के, जो बना रहे थे APTX4869, लेकिन वो दोनों एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अभी ये जिन ने किया कि क्या हुआ था वो वाला ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का, जब एपिसोड शुरू होगा उसमें पता लगेगा। नवा कैरेक्टर है आकिमी मियानो, सही सुना आपने, शियो या फिर कह सकते हैं कि शेरी, या फिर कह सकते हैं कि हाइबारा की बड़ी बहन, जो अकाई की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड भी थी, वो भी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, लेकिन जिन ने उसे मार दिया क्योंकि वो अपनी जो छोटी बहन है उसकी आजादी की भीख मांग रही थी, जो जिन देना नहीं चाहता क्योंकि हाइबारा मतलब शेरी उस समय उस ड्रग्स पे काम कर रही थी। दसवां जो कैरेक्टर है वो तकीला, एक लंबा चौड़ा मस्कुलर मेंबर ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करता रहता है, लेकिन वो एक्सीडेंटली बॉम्ब के कारण मर जाता है, क्योंकि वो बॉम्ब उसके लिए था ही नहीं, दूसरे के लिए था, वो एक्सीडेंटली मर जाता है।
ग्यारहवा कैरेक्टर है पिस्को, जो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और साथ ही वो कार कंपनी का सीईओ भी है, जिसका रियल नाम शायद केंजो मासुयामा है, जो एक बूढ़ा स्लिम ब्लैक आई वाला आदमी है जो आत्सुशी और एलेना को जानता था क्योंकि वो दोनों के साथ वो भी काम कर चुका है, और वो ये भी जानता था कि हाइबारा ही शेरी है, लेकिन वो बताने से पहले ही जिन ने उसे मार दिया, मतलब जिनकी गलती थी इसमें, अगर वो जिंदा रहता तो वो बता ही देता। बारहवां कैरेक्टर है कैलेडियस स्नाइपर, इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं चला कि ये है कौन, लेकिन इतना पता है कि ये कौन और चियांटी के साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग है, और वो ऑब्सेस था वर्मेट से, जिसने खुद को मार दिया था क्योंकि अकाय ने उसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, अगर वो पकड़ा जाता एफबीआई के हाथों तो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन पूरा चिट्टा खुल जाता, इसलिए वो सुसाइड कर लिया। तेरहवा कैरेक्टर है रिकुमिची कुसाडे, जिसे कीर का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया था, वो भी पेशेंट बनके, लेकिन जब एफबीआई और कॉनन को पता चला कि ये ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से है तो उसे पकड़ते वक्त वो खुद को मार लेता है। चौथा कैरेक्टर है इथान होंडो, जो अंडरकवर एजेंट है सीआईए का, और वो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन सीआईए को दे रहा था, लेकिन अपनी बेटी हिदेमी को बचाते हुए वो मर जाता है, मतलब बचाने के लिए उसे मरना पड़ता है। 15 कैरेक्टर है स्कॉच, जिसका असली नाम हिरोमित्सी मोरोफुशी था, और ये भी एक अंडरकवर एजेंट था पीएसबी का, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का, जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन पीएसबी को दे रहा था, लेकिन वो खुदकुशी कर लेता है जब अकाई उससे सवाल पूछता है, साथ ही ये पता चला कि मोरोफुशी बोरवन का पार्टनर भी था। अभी कुछ अंडरकवर एजेंट के बारे में बात करते हैं जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसे हुए। पहला कैरेक्टर है कीर, या फिर कह सकते हैं कि हिडेमी होंडो, जो डॉटर थी इथान होंडो की, जो खुद भी अपने पापा की तरह एक सीआईए एजेंट है, जहां उसे अपने पापा को मारना पड़ा खुद की गलती की वजह से, और अभी वो एफबीआई और सीआईए को इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती है। 17 मेंबर है बोरवन, जिससे रे फोरिया या फिर तोरु अमोरो या फिर जेरो भी कह सकते हैं, जो अंडरकवर एजेंट है पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पीएसबी का, और जो अकाई से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उसने मोरोफुशी को मारा था, तो उसने देखा था, ठीक है, मतलब वो उसे जान से मार देना ही चाहता है, ठीक है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और अभी ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो ज्यादा टाइम तक नहीं दिखे हमें, लेकिन ये भी एक मेंबर थे, मतलब मूवी वाइज ही मूवी में ही हमें देखने को मिले थे। जैसे काउंटडाउन टू हेवन में हमें योशिका हारा खाया जाता है, जो एक एजेंट था और जिन ने उसे मार दिया था, और हमें 13 मूवी डिटेक्टिव कॉनन रेवन चेसर में आयरिस देखने को मिलता है, जो पिस्को को अपने पापा के समान मानता था और उसे चियांटी मार देती है, याद है वो वाला 13। और साथ ही हमें मासाकी ओकुरा, जो एक मेंबर था ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वो भी मर जाता है, वो भी सीरियल किलिंग केस में, याद हो आपको अगर आपने मूवी देखा होता तो। 20th मूवी द डार्कनेस नाइटमेयर में कुरासो, ये भी एक ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, और साथ ही रम की वो राइट हैंडेड थी, हमें डार्केस्ट नाइटमेयर में डिटेक्ट जूनियर को बचाते हुए वो मर गई, अपने वो वाला मूवी देखा होगा तो याद होगा। और इस मूवी में जब कुरासो एजेंट का जब लिस्ट देती है, उसके बाद टाउट, जो एक अंडरकवर एजेंट है MI6 का, वो भी मारा जाता है, जो उसे कौन मारती है। एक्वाविट अंडरकवर एजेंट था CSIS का, वो चियांटी से मारा जाता है। और राइसलिंग, जो एक अंडरकवर एजेंट थी जर्मन BND की, उसे जीन मार देता है। मूवी नंबर 23 में डिटेक्टिव कॉनन ब्लैक एंड सबमरीन में हमें पिंगा भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो क्यूरासो के मरने के बाद रम का राइट हैंडेड बन गया था, लेकिन वो जिन के जाल में फंस के मर जाता है सबमरीन ब्लास्ट में। तो यही तक था आज का वीडियो गाइस, और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइक ड्रॉप।